हे गाइस, मैं हूं पंकज। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये वीडियो पार्ट रहने वाला है झारखंड हिस्ट्री का, नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 20। ठीक है, अभी तक प्री हिस्ट्री हम कर चुके हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री हम कर चुके हैं। ये वीडियो पार्ट का सिक्वेंस नंबर 2 रहेगा। जो 19 में हम ट्राइबल जो रिवोल्ट कर रहे थे उसका पार्ट नंबर 1 19 था, अब ये ट्राइबल रिवोल्ट इसमें पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। गिवन नंबर पर आपको कॉल करनी है। ठीक है, जो ये गिवन नंबर पर दिए हैं आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पेड कोर्सेज ज्वाइन नहीं कर पाते, आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है और सर्च बॉक्स में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लिखना है। अब ये टाइप करके जब आप ये सर्च करोगे तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके आएगा, तो यहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ और बहुत सारी टेस्ट सीरीज हम शेयर करते रहते हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो पार्ट के सीक्वेंस में हमने ट्राइबल रिवोल्ट में धल रिवोल्ट देखा, ठीक है, हमने रामगढ़ रिवोल्ट देखा और बहुत सारे दो चार रिवोल्ट और हमने देखे। तो इसी सिक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा रिवोल्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवोल्ट आने वाले हैं, और जो टेबल है वो भी हम करेंगे। टेबल क्या होगा, एक छोटी सी टेबल होगी, उसमें जो शॉर्ट शॉर्ट प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं वो सब आंसर, जो कि डायरेक्ट 1 मार्क्स या 1 लाइनर आप जिसे कहते हैं, वो होंगे। तो आज का पहला जो रिवोल्ट है वो है संथल रिवोल्ट ऑफ संथल हुल। 1855 में ये स्टार्ट हुआ। सबसे ज़्यादा आदिवासी विद्रोहों में सबसे महत्वपूर्ण है ये। दिस इज नोन बाई वेरियस नेम्स लाइक हुल एंड मूवमेंट ऑफ संथल हुल। ठीक है, इस जो आदिवासी विद्रोह है इसको हुल नाम से भी जाना जाता है और इसको संथल हुल भी बोला जाता है। अब हर एक जो रिवोल्ट हैं, विद्रोह हैं, उनके लीडर हमने देखे। इस रिवोल्ट के जो नेता हैं उनका नाम है सिद्धू मुर्मू, कन्हू मुर्मू, देयर ब्रदर्स चांद एंड भैरव एज दियर सिस्टर झानो एंड फूलो ऑल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो यहाँ पर नेता कौन है, सिद्धू मुर्मू और कन्हू मुर्मू, और उनके भाई चांद और भैरव हैं, और उनकी बहनें जो हैं झानो और फूलो, इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। जो मेन इनके लीडर हैं वो मुर्मू हैं, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हर एक विद्रोह के पीछे एक कारण होता है। द मेन रीजन बिहाइंड द संथल रिवोल्ट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। देखिए, ब्रिटिश की कॉलोनी बनाने की आदत वो पहले से ही है, उसने अफ्रीका को अपना कॉलोनी बनाई। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने एशिया को बनाया, एशिया में इंडिया को बनाया, तो वैसे ही इंडिया के जो दूसरी जगह हैं वहाँ भी उनके जो ऑटोनॉमी छीन ली गई, और इनका मेन कारण यही था कि हमारे से हमारी ऑटोनॉमी छीनी जा रही है, हमारे से हमारी जो ज़मीन का टुकड़ा है वो छीना जा रहा है। एंड इट्स इनहेरेंट एक्सप्लोइटेटिव नेचर एंड एक्सप्लोइटेशन बाय द मर्चेंट एंड मनी लेंडर। जो व्यापारी थे, ठीक है, जो व्यापारी थे, जो मर्चेंट थे, जो मनी लेंडर्स थे, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोषण करते हैं इनका। ठीक है, संथल का। दिस रिवोल्ट एम्ड टू चेज अवे द नॉन ट्राइबल एंड देयर रूल एंड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ संथल्स। ठीक है, इस विद्रोह ने गैर आदिवासियों और उनके शासन का पीछा करने और संथलों के शासन को स्थापित करने के प्रसारित किया। ये रिवोल्ट पूरा यही था कि संथल का रूल उनकी ही ज़मीन में रहे, जो पहले से वो रूल करते आ रहे हैं, कोई ब्रिटिश अपनी कॉलोनी ना बनाए। ठीक है, मेन रिवोल्ट का एम तो यही था। डेट आगे बढ़ती रहती है। 30 जून 1855 में होता क्या है, भगनादी में अबाउट 10,000 ट्राइबल ऑफ 400 विलेजेज असेंबल्ड फॉर ए मीटिंग। अब 10,000 जो हैं आदिवासी आते हैं और एक मीटिंग बनाते हैं कि हाँ हमारा रिवोल्ट किस तरह से आगे बढ़ने वाला है, इस पर डिस्कशन उनका होता है। इन दिस मीटिंग द स्लोगन ऑफ आवर कंट्री एंड आवर रूल वॉज गिवन। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रिलिम्स के लिए मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं और कहीं से नहीं होते, आपको बस एक ही सोर्स जो आप पढ़ रहे हैं जिससे, उसको बार बार रिवाइज करना होता है। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा कि एक स्लोगन आवर कंट्री एंड आवर रूल। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन यही आ सकता है कि ये स्लोगन कौन से रिवोल्ट में दिया गया, किस रिवोल्ट से जुड़ा हुआ है। दूसरा,
इसकी डेट पूछ ली जाती है, क्योंकि जब पब्लिक सर्विस कमीशन का तो मेन यही रहता कि डेट पूछी जाती है उनका। तो 30 जून 1855 को आवर कंट्री एंड आवर रूल जो है स्लोगन दिया गया, ठीक है, संथल जो ये संथल हुल रिवोल्ट है पूरा। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव उन्होंने कहा कि हमारा देश है और हमारा ही शासन होगा, इस स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपना रिवोल्ट जारी किया। अब उनको ये जो स्लोगन था उसको अचीव भी करना था। टू चेज अवे द आउटसाइडर ऑफ डिकोज, और डिकोज आउटसाइडर जो होते हैं उनको डिकोज बोलते हैं, ये याद रखना। एन ओपन रिवोल्ट वॉज डिसाइडेड टू बी लॉन्च, अब सब लोगों ने कहा कि हम खुला विद्रोह करेंगे, हम सबके अगेंस्ट अब जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि 10,000 ट्राइबल एक ही जगह पर इकट्ठा होना, इनकी इतनी बड़ी रणनीति बनाने, ये छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा विद्रोह ये हमें देखने को मिलता है। इन दिस मीटिंग सिद्धू वॉज मेड द किंग, जो सिद्धू हमने देखा ना, मुर्मू, जो मुर्मू थे, सिद्धू मुर्मू थे, वो नेता थे इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाने वाले, उनको इस रिवोल्ट का राजा बना दिया गया। और जो दूसरे कन्हू मुर्मू थे उनको मिनिस्टर, मंत्री बना दिया गया। बाकी जो चांद वॉज मेड द एडमिनिस्ट्रेटर एंड भैरव वॉज मेड द जनरल, अब यहाँ पर इन्हीं के जो भाई हैं चांद और भैरव, इनको एडमिनिस्ट्रेटर संभालना है और भैरव को जनरल बना दिया गया था, सेनापति, ठीक है। टू सप्रेस द रिवोल्ट दैट स्टार्टेड ऑन 7 जुलाई 1855 जनरल लियोर्ड वॉज सेंट विथ ए ट्रूप, अब देखिए रिवोल्ट स्टार्ट हो चुका था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि हम जानते हैं जमींदार से भी आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट में, यहाँ पर जनरल लियोर्ड अपने ट्रूप के साथ आगे आते हैं कि हाँ जो ये 10,000 आदिवासी इकट्ठा भी हुए हैं और ये अब आगे बहुत बड़ा विद्रोह करने वाले हैं, इसलिए जनरल लॉयड आते हैं अपने ट्रूप के साथ और सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब 10 जुलाई 1855 में मेजर बैरो वॉज डिफीटेड, जो प्रमुख बैरो थे मेजर बैरो, उनको हरा दिया जाता है, ठीक है। 16 और 17 सितंबर, धीरे धीरे मंथ आगे बढ़ता रहता है। अंडर द लीडरशिप ऑफ मुछिया राणा एंड सुंदिया मांझी अबाउट 3,000 रेबल्स ऑक्यूपाइड पुलिस स्टेशन एंड विलेज एट मैनी प्लेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो लीडर्स थे दूसरे कम्युनिटी के भी, दूसरे जो विद्रोह चल रहा है उसके, सब इकट्ठा होते हैं और पुलिस स्टेशन इन सबको वो घेराबंदी कर लेते हैं, ठीक है। तो लगभग इतने लोग इन्होंने रिवोल्ट में आगे आते हैं। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंथम फॉर 4 मंथ्स, अब जो पश्चिमी जिले थे, चार जो जिले थे वो तो संथल के कंट्रोल में आ चुके थे, ठीक है। ऑन 13 नवंबर मार्शल लॉ वॉज इम्पोर्ट, बट अब ईस्ट इंडिया को जब लग रहा था कि हाँ अब ये थोड़ा सा वायलेंटली होगा जो ये विद्रोह है, क्योंकि पुलिस स्टेशन का घेराव हो चुका था, बहुत सारी चीज़ों का घेराव हो चुका था, तो 13 नवंबर को क्या हुआ था, मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया, ठीक है। दिस रिवोल्ट वॉज नॉट लिमिटेड टू संथल परगना अलोन, इट वॉज ऑल्सो स्प्रेड, ये हजारीबाग, वीरभूम और छोटा नागपुर में फैला। अब होता क्या है, जो ये रिवोल्ट था अभी तक तो संथल लोगों का था, अब ये धीरे धीरे फैलने लगा था आगे ही, हजारीबाग में, वीरभूम में और छोटा नागपुर में, ठीक है। इन हजारीबाग द संथल रिवोल्ट वॉज लेड बाई लूबाई मांझी एंड अर्जुन मांझी, तो ये एक एक मार्क्स के प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संथल हुल एक विद्रोह है, जो संथल हुल है वो सिर्फ संथल परगना तक नहीं रहा, वो हजारीबाग में, वो वीरभूम और छोटा नागपुर में फैला, ठीक है। तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन आएगा कि जो संथल हुल है, उस जो विद्रोह था उसमें से जो हजारीबाग में है, जो संथल रिवोल्ट था, उसको किसने लीडर किया था, या वहाँ के नेता कौन थे, नेतृत्व तो कौन कर रहा था। तो लूबाई मांझी और अर्जुन मांझी, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, स्टार लगा लीजिए। इसके बाद वीरभूम से कौन कर रहा था, गोरा मांझी, कौन, गोरा मांझी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे टू इंस्पेक्टर नेम्ड महेश लाल एंड प्रताप नारायण वर किल्ड ड्यूरिंग द रिवोल्ट, अब जो पुलिस स्टेशन का घेराव भी किया था इन लोगों ने, तो इन लोगों ने दो इंस्पेक्टर को भी मार दिया। सिद्धू एंड कन्हू वर हैंग्ड एट बाधेत, अब जो प्रमुख नेता थे इस रिवोल्ट के, संथल रिवोल्ट के, उनको क्या कर दिया गया, फांसी लटका दिया गया। चांद एंड भैरव वर किल्ड इन द बैटल, अब जो इनके भाई भी थे, जैसा हमने पहले देखा कि सिद्धू और कन्हू के जो भाई थे, और फूलन और जो झानू इनकी बहनें थी, उन लोगों ने भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन किया था इस रिवोल्ट में,
वहीं दूसरी ओर जो प्रमुख नेता थे उनको ही फांसी लटका दिया गया और उनके भाइयों को बैटल में मार दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं इस रिवोल्ट में होता क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग रिवोल्ट ये देखने को हमें मिलता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक रिवोल्ट ऐसा था जो सिर्फ एक ही संथल परगना तक नहीं सीमित था, ये हजारीबाग और जो दूसरे दो जिले हैं उन तक भी ये फैला था। ठीक है, जिसमें गौरा मांझी एक में और एक और अर्जुन मांझी जिनके लीडर रहे। ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉम्पसन एंड लेफ्टिनेंट रीड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन सप्रेसिंग द संथल रिवोल्ट। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर है, थॉम्पसन है और रीड है। इन्होंने संथल रिवोल्ट को सप्रेस करने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दिस रिवोल्ट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मास रिवोल्ट ऑफ संथल परगना। जैसे मैंने बोला कि ये सिर्फ एक ही जगह तक सीमित नहीं था, ये दूसरे जिले भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, वो जिले कौन से हैं इसका अभी नाम थोड़ा सा मैं भूल गया था, हजारीबाग और बीरभूम। ठीक है, हजारीबाग, बीरभूम और छोटा नागपुर। अब इसके साथ साथ जैसा मैंने बोला कि जैसे ये संथल परगना जो ये रिवोल्ट है, संथल रिवोल्ट है, ये सिर्फ ऐसा रिवोल्ट नहीं था कि एक ही लिमिट तक फैला हुआ है। संथल जो ये रिवोल्ट रहा उसको फर्स्ट मास रिवोल्ट ऑफ संथल परगना कंसिडर किया जाता है, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने देखा कि कितने ज़्यादा जो आदिवासी थे वो इकट्ठा हुए, जनजाति इकट्ठा हुई इस रिवोल्ट के लिए। कार्ल मार्क्स कॉल्ड इन इंडियाज फर्स्ट मास रेवोल्यूशन, कार्ल मार्क्स भी इसको इंडिया का फर्स्ट मास रिवोल्यूशन बोलते हैं, रिवोल्ट विच ऑल दो कुड नॉट अप्रूव द ब्रिटिश रूल बट गेव बर्थ टू साहाहूद मूवमेंट इन 1814। अब देखिए सबसे बड़ा मास मूवमेंट देखने को मिला, बट इसने ऐसा नहीं था कि ये रिवोल्ट सक्सेसफुल रहा, बट इस रिवोल्ट ने एक तरह से साहाहूद मूवमेंट जो कि 1840 में हुआ उसको गेव बर्थ मतलब उसके एक कारण होता ना, किसी एक रिवोल्ट के कारण कोई दूसरा रिवोल्ट आगे बढ़ के आता है। हालांकि ब्रिटिश रूल को ये उतना जो रिवोल्ट था उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, बट इस रिवोल्ट के वजह से कोई दूसरा रिवोल्ट इंस्पायर होता है। तो वह रिवोल्ट कौन सा था? वह रिवोल्ट था साजाहुद मूवमेंट जो कि 1840 का था। अगर आएगा झारखंड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मास जो रिवोल्ट था वो कौन सा था, वो था संथल का। ठीक है, संथल कॉल्ड देयर रिवोल्ट देयर विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवेल। संथल क्या कहते हैं? संथल कहते हैं ये बुराई पर अच्छाई की जीत थी। ठीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत थी। टू इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ संथल रिवोल्ट आर दिगंबर चक्रवर्ती और छोटे दास मुशी क्रॉनिकल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो सोर्स है आप पढ़ सकते हैं वो इनके छोटे दास मुशी क्रॉनिकल्स और संथल रिवोल्ट के दिगंबर चक्रवर्ती की बुक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस रिवोल्ट संथल रीजन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए सेपरेट नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट एंड वॉज गिवन द नेम ऑफ संथल परगना। अब ये जब विद्रोह हो जाता है इसके बाद एज ए ये सेपरेट नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट की तरह इसको अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, इसको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है अलग तरीके से और इसको संथल परगना नाम दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट है सरदारी मोमेंट, 1858 से 1895 तक ये चला। दिस मोमेंट वॉज बेसिकली अगेंस्ट द जमींदार, ये किसके अगेंस्ट था? जमींदार के अगेंस्ट। ठीक है, और बिकॉज द सरदारी ऑफ ट्राइबल्स वॉज टेकन अवे। अब इसमें क्या हुआ, जो उनकी भूमि थी और उनको भी उनकी जगह से हटा दिया जा रहा था, जैसा कि हर रिवोल्ट का एक बेसिक कॉज रहा है। ठीक है, तो जमींदार उनकी लैंड से उनको भगा रहे थे। तो टू एड्रेस दिस इश्यू चीता नागपुर टेन्यूर एक्ट लाया गया 1869 में, बट टेन्यूर एक्ट से भी जो वहाँ के निवासी थे, जो जनजाति थी, वो उतनी ज़्यादा खुश नहीं रहे। आगे मुंडा जो ट्राइब थी वो आती है और अपनी डिमांड के लिए रिवोल्ट करते रहती है। ठीक है, नेक्स्ट रिवोल्ट है जो विद्रोह है सपाहोद मूवमेंट, 1870 का है। लाल हेम्ब्रोम और लाल बाबा जिनको दूसरा निकनेम भी बोला जाता है, ये इसके लीडर हैं या फादर ऑफ दिस मोमेंट बोल सकते हैं, जनक जो हैं वो हैं लाल बाबा।
अब ये क्या है, ही फेल्ट दैट बिगेस्ट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ संथल रिवोल्ट वॉज द लैक ऑफ रिलीजियस फर्वर एंड स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर। अब ये मानते हैं, लाल बाबा मानते हैं कि रिलीजियस फ्रेवर नहीं था, इसमें धार्मिक उत्साह नहीं था। दूसरा, जो करेक्टर थे, जो लीडर थे, इतने ज़्यादा वो स्ट्रांग नहीं थे। दस ही एम्फेसाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर। ठीक है, करेक्टर पर इन्होंने जोर दिया। दूसरा, रीजन बहुत ज़्यादा खास होना चाहिए। ही गेव द वॉलंटियर ऑफ द मोमेंट मंत्र राम नेम। ही यूज टू गिव संथल ए वाइल्ड फ्लेज। ही आस्क देन टू वेयर सेक्रेट थ्रेड एंड बैंड द कंजम्पशन ऑफ मीट एंड एल्कोहल। अब देखिए, धार्मिक उत्साह ना होना एक कारण बताया इन्होंने, और इन्होंने बोला कि संथल रिवोल्ट इसलिए फेल हुआ था, हम जो अपना रिवोल्ट करेंगे उसमें क्या करेंगे, हम एक तरह से पवित्र एक धागा भी बांधेंगे, हम लोगों से कहेंगे जो भी रिवोल्ट में शामिल हो रहा है उनसे कहेंगे कि आप मीट कंजम्पशन या एल्कोहल कंजम्पशन वो मत कीजिए। ठीक है, ऑन द लाइन्स ऑफ INA लाल बाबा ऑर्गेनाइज द, ठीक है, लाल बाबा ऑर्गेनाइज द देशधर दल। ठीक है, देशधर दल इन द सल्तन परगना। ठीक है, INA लाल बाबा ने ऑर्गेनाइज किया कौन सा, देश धरक दल। ठीक है, संथल परगना में। तो अब देश धरक दल यही था जिनका मेन मोटिव यही था कि धार्मिक रूप से उनको उत्साहित करो। दूसरा, जितने भी जो कंजम्पशन है मीट का, एल्कोहल का, वो बैन किया जाए। अमंग हिज एसोसिएटेड कौन कौन से थे, पाइको मुर्मू, पगन मरंडी, भाटू सोरेन, रासिक लाल सोरेन, ये सब इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सब थे और इनका मेन जो दल था उनका मेन एम यही था कि ये चीज़ें कंजम नहीं करेंगे और जो कैरेक्टर है और अपने रीजन को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो रिवोल्ट है वो है खरवार मूवमेंट 1874 का। ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था अगेन द ब्रिटिश रूल। ठीक है, अहिंसक आंदोलन जिसे कह सकते हैं, ये 1874 से जो था स्टार्ट हुआ था और नॉन वायलेंट मूवमेंट था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो लीडर थे इसके भागीरथ मांझी थे, ये आपको याद रखना है। कभी भी लीडर की बात आती है तो उनके किस ने ये आंदोलन चलाया उनका नाम आता है, तो आंसर है भागीरथ मांझी। ठीक है, भगवान दास ऑफ राजमहल एंड लंबोदर मुखर्जी ऑफ दुमका पॉपुलराइज दिस मूवमेंट। फिर धीरे धीरे दूसरे लोग भी इनसे जुड़ने लगे, भगवान दास और लंबोदर मुखर्जी ने भी इसको ज्वाइन किया। भागीरथ मांझी अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन कॉपरेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। हम आपका सहयोग ही नहीं करेंगे, गांधी जी ने जैसे कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था कि सहयोग नहीं करेंगे हम इनके, अगर गवर्नमेंट ऑफिस में हैं तो हम इनकी बात नहीं मानेंगे, हम ऑफिस जाना छोड़ देंगे। ठीक है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, हम जितने भी पब्लिक बसेज हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, हम स्वदेशी यूज़ करेंगे, खादी वस्त्र यूज़ करेंगे। तो एक तरह से असहयोग करना इनकी भी नीति थी, जो कि हम कह सकते हैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछते अब पब्लिक सर्विस कमीशन में, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन सा आंदोलन था जो कि गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा उनकी तरह था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की ही तरह था और जिसमें गांधी जी के विचारों को बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया, जिसमें नॉन वायलेंट अहिंसा थी, नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन जुड़ा था। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये जो आंदोलन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है 1874 का खरवार आंदोलन। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ही डिक्लेयर्ड द किंग ऑफ बॉसी विलेज एंड स्टार्टेड कलेक्ट रेंट इंस्टीड ऑफ पेइंग इट टू द जमींदार ऑफ गवर्नमेंट। अब ये क्या करते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं अपने को कि मैं बॉसी विलेज का जो हूँ राजा हूँ और रेंट जो है वो मुझे दीजिए, जमींदार को मत दीजिए। ही वॉज बॉर्न इन थलीडा विलेज ऑफ गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। भागीरथ मांझी वॉज ऑल्सो नोन एज बाबा अमंग द ट्राइबल्स। बहुत सारी जो जनजाति थी उनको बाबा बाबा भी कहती थी। ठीक है, और ये तलीडा गाँव में जन्मे थे और डिस्ट्रिक्ट है भागीरथ मांझी। नेक्स्ट जो रिवोल्ट है वो है मुंडा रिवोल्ट 1895 का। लीडर कौन है, बिरसा मुंडा। ऑब्वियस बहुत ज़्यादा फेमस रिवोल्ट है, बहुत ज़्यादा प्रचलित रिवोल्ट रहा। ही इज ऑल्सो कॉल्ड धरती अब्बा ऑफ बिरसा भगवान, धरती अब्बा कहते थे। और बिरसा मुंडा के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, तो लोग इन्हें धरती अब्बा तो कहते ही थे, अपना भगवान भी मानते थे।
लोगों का ये कहना था या आस्था थी कि बिरसा मुंडा के पास जो भी जाता है तो उनके पास एक हीलिंग पावर है, मैजिक पावर है। अगर कोई आदमी बीमार हो जाता तो वो बिरसा मुंडा के पास जाता और बिरसा मुंडा जो है उनको सही कर देते। तो ये बिरसा मुंडा के बारे में बोला जाता था। दिस रिवोल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मुंडा उलगुलन। बिरसा मुंडा मुंडा उलगुलन बोला जाता था। और बिरसा मुंडा जो जन्मे थे 15 नवंबर 1875 को। ठीक है, ये अब यहाँ फुल स्टॉप लगा लेना एक। ओके, यहाँ पर तो इस रिवोल्ट को मुंडा उलगुलन बोला गया। और बिरसा मुंडा के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी लें तो 15 नवंबर 1875 को वो उलीहाटू जो गांव है उस पर जन्मे थे। ठीक है, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय पॉलिटिकल सोशल और रिलीजन ऑब्जेक्टिव। राजनीतिक सामाजिक और धर्म उद्देश्यों से ये प्रेरित थे। मोस्ट इम्पैक्टफुल एंड पॉपुलर ट्राइबल रिवोल्ट ये रहा। जैसा मैंने बोला स्टार्ट में भी, जो ये ट्राइबल रिवोल्ट है बहुत ज़्यादा प्रचलित रिवोल्ट रहा और बिरसा मुंडा की वजह से। ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट द एबोलिशन ऑफ खुंटकट्टी सिस्टम विच वॉज ए सिस्टम ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग। ट्राइबल्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय द बेथ बेगारी सिस्टम। अब यहाँ पर क्या होता था, कलेक्टिव फार्मिंग जो है यहाँ पर उसके अगेंस्ट थी, अगेंस्ट द एबोलिशन ऑफ खून खाटी सिस्टम। ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि ये सिस्टम चलाया जाए, फार्मिंग का, कलेक्टिव फार्मिंग का सिस्टम चलाया जाए। इससे क्या होता था, ब्रिटिशर्स को लॉस होता था और साथ ही साथ जो ट्राइबल्स थे उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइट भी किया गया। ठीक है, दिस रिवोल्ट स्टार्ट हुआ 1895 में। 1895 में ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। तो सोच लीजिए 1875 में ये जन्मे थे, 20 साल बाद, हालांकि ये कितने साल के, 19-20 साल के रहे होंगे और तब से ही बहुत ज़्यादा यंग थे, तब से ही इन्होंने ये रिवोल्ट शुरू कर दिया। इन 1895 बिरसा डिक्लेयर्ड हिम एज द मैसेंजर ऑफ गॉड। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि बिरसा अपने को बोलते थे कि क्या है, मैं भगवान का दूत हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है। ठीक है, और इन बहुत लोगों की आस्था तो ये भी थी कि ये लोग जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनको भी जिंदा कर देते हैं। ठीक है, अगर इनके बारे में आप पढ़ोगे तो जब लोगों का जो सामाजिक इनका रोल था, समाज में इनको एज ए जो भी बोलते थे कि जो ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जो जिसमें डेथ पॉसिबल है, डेथ कोई टाल नहीं सकता, वो भी उनको सही कर देते थे बिरसा। तो लोग इनको तभी, ये खुद को भी मैसेंजर ऑफ गॉड बोला करते थे। बिरसा हैड प्लान्ड एन आर्मड रिवोल्ट बट ही वॉज अरेस्टेड ऑन 24 अगस्त 1895 बाई मेयर्स। अब बिरसा ने प्लान किया कि हम एक आर्म रिवोल्यूशन रिवोल्ट करेंगे, तो इसकी भनक लग गई ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को। तो 24 अगस्त 1895 को बिरसा मुंडा को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, फिर 30 नवंबर 1897 को क्या होता है, इनको रिलीज कर दिया ऑन द ओकेजन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। एट दुम्बारू बुरु बिरसा कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ हिज ट्रस्टेड पीपल फ्रेंड्स एंड रिप्रेजेंटेटिव। दुम्बारू में बिरसा क्या करते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में ये डिसाइड करते हैं कि हम रिवोल्ट फिर से स्टार्ट करेंगे 25 दिसंबर 1899 को। ठीक है, इस रिवोल्ट में, ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ खुंती, रांची, बसिया, तामड़ और चक्रधरपुर। ठीक है, तो 25 दिसंबर 1899 को ये बोलते हैं कि हम फिर से रिवोल्ट स्टार्ट करेंगे। और ये रिवोल्ट कहाँ से, खुंती, रांची, बसिया, तमड़ और चक्रधरपुर में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये फैल जाता है। बिरसा मेड डोंका मुंडा एज द चीफ ऑफ पॉलिटिकल इशू एंड सोमा मुंडा एज द चीफ ऑफ सोशल एंड रिलीजियस इशू। जैसा हमने कहा, बिरसा मुंडा बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, जो राजनीतिक थी, सामाजिक थी, धार्मिक थी, तो इन्होंने अलग अलग चीज़ों को हैंडल करने के लिए अलग अलग चीफ बना दिए, मुखिया बना दिए। बिरसा मुंडा ने डोंका मुंडा को पॉलिटिकल इशू के लिए रिप्रेजेंटेटिव बनाया, सोमा मुंडा को एज ए चीफ ऑफ सोशल और रिलीजियस इशू के लिए बनाया। गया मुंडा वॉज बिरसा फॉरमोस्ट कलीग, ही वॉज अपॉइंटेड एज द जनरल। और जनरल की तरह नियुक्त किया गया गया मुंडा को। ठीक है, किसने किया, बिरसा मुंडा ने। तो इन्होंने देखिए, इतना ज़्यादा इनके पास, खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड तो कहते ही थे, बल्कि इन्होंने खुद सभी चीज़ का चीफ ना बनते हुए लोगों को एक तरह से डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है ना, कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, तो इन्होंने खुद को चीफ ना बनाते हुए इन्होंने अलग अलग जो इशू थे, अलग अलग जो मुद्दे थे, उनके लिए अलग अलग चीफ इन्होंने अपॉइंट किए। अपॉइंट किए कहने का मतलब वही लीड करेंगे, डोंका मुंडा, सोमा मुंडा
और गया मुंडा, ये तीनों आपको नाम याद रखने हैं, और किस किस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो जहान मुंडा है, देवका मुंडा है, हतेराम मुंडा है, एज ए एडवाइज़र यानी कि सलाहकार की तरह काम करते थे बिरसा मुंडा के लिए, ठीक है। जो ये विद्रोह है उसका मुख्यालय कहाँ था, खुंटी में, एक मार्क्स के क्वेश्चन में वन लाइनर में आपको ये याद रखना है, ठीक है। विद्रोह के समय स्ट्रीटफील्ड रांची के उपायुक्त थे, डेप्यूटी कमिश्नर कौन थे, स्ट्रीटफील्ड थे रांची में, ठीक है। ये वन लाइनर के क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट ये पूछा जाएगा। ऑन 3 फरवरी 1900 वीर सिंह ए मशल मैन ऑफ जगमोहन सिंह ऑफ बंदागांव गॉट बिरसा अरेस्टेड फॉर द ग्रीड ऑफ 500 एज अ प्राइज मनी ऑन द 9th। अब क्या होता है, इस सिक्वेंस को आपको याद नहीं रखना, ये कभी नहीं पूछेंगे कि प्राइज मनी कितनी थी वगैरह कितनी थी, इसमें बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। इस सिक्वेंस को आपको नहीं जानना, मेन चीज़ आपको क्या थी इंपॉर्टेंट याद रखना, हेडक्वार्टर इस विद्रोह का कहाँ था, खुंटी में, एडवाइज़र कौन थे, और जो रिलीजियस के लिए, रिलीजियस इश्यू के लिए किसको बनाया गया था, सोशल इश्यू के लिए किसको बनाया गया था, पॉलिटिकल इशू के लिए किसको बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट एयर याद करना है, जून 1900 बिरसा डाइड एट रांची ड्यू टू डायरिया एज ए रिजल्ट ऑफ मुंडा रिवोल्ट, गुमला खुंती वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज सुपरनेंटेंट सब डिविजन इन 1902 एंड 1903 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप गुमला और खुंटी के कर्मों 1902-1903 में सुपरनेचुरल सब डिवीजन के रूप में गठित किया गया था, ठीक है। गुमला को 1902 में और खुंटी को 1903 में एज ए सब डिवीजन बना दिया गया। 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर टिनेंसी एक्ट को पास कर दिया गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है डेट, ओके। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ ताना भगत, मोमेंट ऑफ ताना भगत, दिस मोमेंट स्टार्टेड इन 1914 अंडर द लीडरशिप ऑफ जत्रा ओराव एज ए रिलीजियस मोमेंट। देखिए बहुत सारे ऐसे मोमेंट हमने देखे हैं जहाँ पर क्या देखा कि जमींदार जो हैं और जो हमारे दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं वो लैंड को उनको खदेड़ के भगा रहे हैं उनकी ही ज़मीन से, बट जो ताना भगत मोमेंट था एक तरह से धार्मिक आंदोलन हमें देखने को मिला। इट एडवोकेटेड मोनोथिज्म एंड अपोज्ड मीट एल्कोहल एंड ट्राइबल डांसेस। ये किसकी वकालत करता था, मोनोथिज्म यानी कि एक ही भगवान की, ठीक है, और ये अपोज करते थे कि हाँ मीट एल्कोहल और ट्राइबल डांसेस को ये अपोज करते थे। अब देखिए ताना भगत का ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई है वहाँ का जो कल्चर है, फूड हैबिट है, वो लोग इंक्लूड करते थे कि हम मीट खाना है, हमें अल्कोहल पीना है, सो इट एडवोकेटेड फॉर रिटर्निंग टू द प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टिवेशन। और दूसरा किस तरह से ये फार्मिंग की जाती थी, झूम कल्टिवेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन तो होता ही होता है, उसके साथ साथ सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती है ऐसा बोला जाता है, ठीक है, और ऐसा होता भी है, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स अपोज करते थे, वो कहते थे कि आपको झूम कल्टीवेशन नहीं करनी है। तो ताना भगत ने इसको धार्मिक आंदोलन तो बनाया ही बनाया, उनके साथ साथ उन्होंने कहा कि हाँ आप मीट या अल्कोहल कंज्यूम नहीं करेंगे, इसके भी अगेंस्ट थे, ये भी डिमांड थी कि आपको नहीं कंज्यूम करना। दूसरा वे यह भी चाहते थे कि हमको हमारी तरीके से खेती कर दी करनी देनी चाहिए, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमें झूम कल्टीवेशन के तहत, झूम कल्टीवेशन में क्या होता है, बहुत जगह स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस भी इसे कहते हैं, उस उगाते हैं फिर फसल काटने समय उस जगह को जला देते हैं, ठीक है, बर्न कर देते हैं, फिर जब 4 या 5 साल बाद खुद वो जगह फर्टाइल हो जाती है, फिर से आते हैं, फिर को जगाते हैं, जलाते हैं उस चीज़ को, और फिर से ये चीज़ चलते रहती है। और बोला जाता है कि फर्टिलिटी गेन तो हो जाती है बट जो एक्चुअल सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें लॉस होता था और झूम कल्टीवेशन से पॉल्यूशन भी होता था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भी झूम कल्टीवेशन को अलाउ नहीं करते थे। मेन रीज़न पॉल्यूशन का नहीं था, मेन रीज़न था ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे क्या होता था, अब लोग क्या करते हैं उस लैंड को छोड़ देते थे एज ए, फिर वो तो 4-5 सालों के लिए उसमें तो खेती नहीं कर सकते ना, इसमें क्या है, इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा था। दिस मोमेंट इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ बिरसा मोमेंट, लोग और बहुत सारे स्कॉलर इसको मानते थे कि ये बिरसा मोमेंट का एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब उसी मोमेंट को आगे
बढ़ा दिया गया है। मेन सेंटर्स ऑफ दिस मूवमेंट, कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ था, यह है पहला बिशुमपर, घग्गर, चैनपुर, रेदीह, कूडो और मंडार, ये मेन सेंटर्स थे विद्रोह के। इन मंडार रीजन इन द मूवमेंट वॉज लेड बाय शिबी भगत, मंदर रीजन में शिबी भगत। बलराम भगत लेड द मूवमेंट इन घग्गर, ठीक है, जो जो मेन मेन है वो आपको याद रखना है कि विद्रोह हुआ तो कौन थे इसमें, जो मेन लीडर थे वो कौन थे, ठीक है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। आगे भीकी भगत, इनने बिशुनपुर में ये बड़े, ए विमेन नेम्ड देव मामिया बिलोंगिंग टू द सिसाई रीजन प्लेड एन एप्रिशिएबल रोल इन द मोमेंट, एक महिला का नाम भी आपको याद रखना है, देव मामिया बिलोंग टू सिसाई रीजन, ठीक है, उन्होंने भी इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाया, इसमें पार्टिसिपेट किया। 1916 में क्या होता है, जात्रा भगत वो सेंटेंस्ड फॉर ए जेल टर्म ऑफ 18 मंथ, 18 महीने के लिए उनको सजा सुना दे दी जाती है। विद इन 2 मंथ्स ऑफ हिज रिलीज 1917 ही सडनली डाइड, ठीक है, ये सिक्वेंस आपको याद इतना तो नहीं रखना कि वो 1917 में मरे जेल से आने के बाद, आपको ये याद रखना है, आपको 4-5 वो ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे इनमें से ये पर्टिकुलर पर्सन किस रिवोल्ट से, किस विद्रोह से एसोसिएट है, ठीक है। नॉन वायलेंस वॉज एक्सेप्टेड एज द वेपन इन दिस मोमेंट, इस पूरे विद्रोह में ये बोला गया कि हम क्या करेंगे, नॉन वायलेंस, हम हिंसा नहीं करेंगे। इन द थर्ड फेज ऑफ दिस मोमेंट ताना भगत पार्टिसिपेटेड इन नेशनल मूवमेंट लेड बाई महात्मा गांधी, दूसरा ताना भगत जैसे हमने पहले भी देखा कि इंस्पायर थे महात्मा गांधी जी से, दूसरा ये मूवमेंट नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट करता था, तो इन्होंने महात्मा गांधी को भी बाद में ज्वाइन किया, ठीक है। इन 1921 ताना भगत पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू भगत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो असहयोग आंदोलन था उसमें भी भाग लिया, किसने, ताना भगत ने, ठीक है। ताना भगत पार्टिसिपेटेड इन द गया सेशन, कांग्रेस का जो गया सेशन हुआ था 1922 में, बहुत बार पीसीएस में यही पूछा जाता है कि जो कांग्रेस के सेशन हुए थे वो कहाँ कहाँ हुए थे, अब उससे जुड़ के तो ये ताना भगत का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो गया सेशन है वो खुद ताना भगत ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। एंड इन द नागपुर सेशन ऑफ 1923, 1922 का जो गया सेशन है प्लस जो नागपुर सेशन है 1923 का, खुद जो ताना भगत है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। 1940 का रामगढ़ सेशन, ताना भगत गिफ्टेड ए सम ऑफ 400 टू महात्मा गांधी। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो हमारे नेशनल लीडर हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्टोर आप लगा देना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 400 रुपये भी गिफ्ट किए थे ऐसे महात्मा गांधी को 1940 के रामगढ़ सेशन में, कांग्रेस का सेशन हुआ था, तो हम कह सकते हैं गया सेशन पहला, नागपुर सेशन दूसरा, रामगढ़ सेशन तीसरा, तो ये सेशन आपको याद रखने हैं, जब जब ये सेशन हुए थे और जब जब ताना भगत ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब हम टेबल में देख लेते हैं, ये जो ये टेबल होगी बहुत सिंपल सी टेबल है, ये हिंदी में नहीं होगी, ये इंग्लिश में ही है, तो कुछ वैसा इसमें कुछ नहीं है हिंदी में समझने वाला, ठीक है। तिलका मांझी के बारे में देख लेते हैं, जन्म 11 फरवरी 1750, तिलकपुर में बर्थ प्लेस है, कास्ट है संथल, फादर हैं सुंदरा, की जगह पर इन्होंने किया था भागलपुर में, इंग्लिश ऑफिसर कौन रिलेटेड थे इनसे रिवोल्ट के, अगस्तस क्लीवेंड, ठीक है, जो है मारे भी गए थे 13 जनवरी 1784 को, ठीक है। मेन कॉज क्या था तिलका मांझी के लिए, जो उन्होंने मूवमेंट चलाया था, एक्सप्लोइटेशन ऑफ लोकल पीपल बाय मनी लेंडर्स एंड प्रॉमिस्ड बाय ब्रिटिश ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स, ठीक है, मनी लेंडर्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइट कर रहे थे, डेथ ऑफ पीपल ड्यू टू द फेमाइन, और उसी दौरान बहुत ज़्यादा फेमाइन के वजह से बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई, टू अटैम्प्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू फोर्सफुली प्रमोट द गवर्नमेंट टू फोर्सफुली प्रमोट देयर इम्पोर्टेड गुड्स लग्जरी, और ये जो थे बाहर जो दूसरे देशों से ब्रिटेन से सामान लाए थे थे, ठीक है, फोर्सफुली उनसे बोला जाता था कि आप इसी को पहनो, आप इसी को प्रमोट करो, ठीक है,
और वीमेन का पार्टिसिपेशन इस रिवोल्ट में बहुत ज़्यादा देखने को मिला। ओके आगे पब्लिक वेलफेयर इम्फेसाइजेज ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बार्टर सिस्टम इन ट्रेड, ठीक है, ये सब हमें देखने को मिला। वर्क कौन क्या क्या वर्क किया इन्होंने, इम्फेसिस ऑन यूनिटी, एकता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया तिलका मांझी ने, ट्रीजर एंड गो डाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स अमंग पुअर, जो ब्रिटिश का ही खजाना था उसको ही लूट के लोगों में बांट दिया, ठीक है, ये तिलका मांझी ने किया। तो ये आपको इतना याद रखना है बस, ये बर्थ वगैरह क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ओके फॉर्म ऑफ रिवोल्ट, किस तरह का रिवोल्ट था, गोरिल्ला वॉरफेयर, और कब हुआ था, 1783 से 1785 के बीच में। ओके तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा साल लीव के पत्तों के जरिए इन्होंने अपना मूवमेंट जो है वो फैलाया। ओके नेक्स्ट है जतारा भगत, उनके बारे में देख लेते हैं। बर्थ 1888 में, इनके पिता हैं कोडल ओराव, मदर हैं लीबरी, वाइफ हैं बंधनी, ठीक है। अब बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, ऑलरेडी कर चुके हैं। 15 नवंबर 1875 को, और प्लेस है किस जगह पर, तमर में, उलीहाटू में। फादर का नाम है इनके सुगन मुंडा, माता का नाम है कादमी मुंडा। इनके जो गुरु रहे वो हैं आनंद पांडे, ठीक है। ये एक एक चीज़ें हैं, एक एक चीज़ें डायरेक्ट ये पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ट्राइब कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, मुंडा ट्राइब से। किसको अपना भगवान मानते हैं, सिंह बोगा को, ठीक है। और रिवोल्ट का नाम क्या था, मुंडा उलगुलन, जिस विद्रोह को इन्होंने आगे बढ़ाया उसका नाम था मुंडा उलगुलन, ठीक है। अर्ली एक्टिविटी, पार्टिसिपेटेड इन लैंड मूवमेंट इन चाईबासा ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट लाइफ, पार्टिसिपेटेड इन जंगल मूवमेंट इन चक्रधरपुर, ठीक है। एरिया ऑफ मुंडा रिवोल्ट, रांची सिंहभूम, ठीक है, किस जगह पे किया, रांची सिंहभूम पे। और पहले कैसा था, रिफॉर्मिस्ट, और बिरसा के जो कलीग थे वो कौन कौन थे, गया मुंडा, सोमा मुंडा, दोनका मुंडा। अब आपको याद होगा इससे पहले जब मैं मुंडा रिवोल्ट करा रहा था, जो ये तीनों लोग थे रिलीजियस पॉलिटिकल, ठीक है, और सोशल इशू पे अलग अलग चीफ रहे ये। मुंडा रिवोल्ट का कारण क्या क्या था, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू रेट बहुत हाई था, रिंग पॉलिसीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, एक्सप्लोइटेशन किया जमींदार ने और मनी लेंडर्स ने, ठीक है। मुंडा का सिग्निफिकेंस क्या था, छठ नगर रिवोल्टिनेंसी एक्ट आया 1908 में, सेपरेट सब डिवीजन बनाया गुमला और खुंटी का ताकि और ज़्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। न्यू कोर्ट ऑफ लॉ सर्वे ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट, बिरसा डिक्लेयर करते थे 1895, उन्होंने मैसेंजर ऑफ गॉड खुद को डिक्लेयर किया, ठीक है, बिरसा ने। और इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी और मुंडा रिलीजन। रिवोल्ट का कौन सा सॉन्ग था, काटोंग बाबा काटोंग। इम्प्रिजमेंट कब कब उनको जेल हुई थी, ये PCS में पूछ सकते हैं, तो ये स्क्रीन में आपको दिख रहा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रिजन दोरांदा में डाला था, डेथ हुई थी 9 जून 1900 को ड्यू टू डायरिया से इनकी मृत्यु भी हुई थी, ठीक है। अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप फेमस, कभी भी देखिए हेल्थ इश्यू वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आता है कि हाँ जो बीमारियां हैं इतना कॉज करती है, तो आप ऐसे इम्पोर्टेंट लीडर का भी आप नाम डाल के उस चीज़ को और ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना ज़्यादा हॉस्पिटल होना या उस चीज़ को सही करना, पहले प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, अभी के GS के लिए आप एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं। ताना भगत 1914 में स्टार्ट हुआ था, प्लेस छोटा नागपुर, रेबिलियन ट्राइब ओराव थी, लीडर जतरा भगत थे, कॉज था कल्चरल रीजन एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अब लास्ट का एक टेबल पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद इस पूरे जो वीडियो पार्ट है उसको ख़त्म करेंगे, ट्राइबल मूवमेंट शॉर्ट में, ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट शॉर्ट में देख लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पहाड़िया मूवमेंट कब हुआ था, 1772 से 1782, जगह संथल, और लीडर का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रानी सर्वेश्वरी। तमद रिवोल्ट 82 से 20 तक, तमद में हुआ था, ठाकुर भोलानाथ सिंह। तिलका मूवमेंट सौथल तिलका मांझी में। छुआर रिवोल्ट
बारा भूम में विचित्र छुआर और पाई का सरदार, चेरो मोमेंट भुक्कन सिंह और पलामू में हुआ था 1820-1818, कोल जो रिवोल्ट 1820 में हुआ छोटा नागपुर में, रघुदेव और कोंता मुंडा इनके लीडर थे। ठीक है, हो रिवोल्ट कोलन में हुआ था 1820-1881 में, पोटो सरदार ने, लीडर कौन थे, पोटो सरदार। कोल रिवोल्ट छोटा नागपुर में सिंदारी मन की और बिंदारी मन की। भूमजी रिवोल्ट 1832-1833 में मनभूम में हुआ था, गंगा नारायण इनके जो थे लीडर थे। ठीक है, संथल रिवोल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवोल्ट था, 1855-56 संथल में हुआ था, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू। सरदारी मूवमेंट संथल में हुआ था, विचित्र मुंडा सरदार ट्राइबल लीडर्स थे, नेता थे। मुंडा अभी अभी पढ़ा, जस्ट 1895 से 1900 तक रांची में, और 1900 में इनका मृत्यु भी हो गई थी, ये अभी हमने देखा। ठीक है, रांची में बिरसा मुंडा। ताना भगत ये भी रांची में 1914 में हुआ था, ताना भगत और जात्रा ओराव थे। 1874 में संथल भागीरथी माझी उनके वो थे। बुद्धू रिवोल्ट 1832 में छोटा नागपुर में बुद्धू भगत द्वारा ये किया गया था। तो ये प्रिलिम्स के लिए आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर पॉज कर लेता हूँ। हालांकि जो पेड कोर्सेज हैं उनको ये पूरी पीडीएफ मिलेगी अच्छे से, तो ये पॉज करके आप ले सकते हैं इसकी, ठीक है, पूरी स्क्रीनशॉट। तो इस वीडियो पार्ट में कंप्लीट हमने ट्राइबल रिवोल्ट कर दिया। अगली जो वीडियो पार्ट रहेगी उसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल मूवमेंट हम इसमें करेंगे, जो अगली वीडियो पार्ट रहेगी। उसके बाद जो है, उसके बाद हम जो क्रोनोलॉजी है वो डिस्कस करेंगे, दो वीडियो पार्ट और आएंगे जो झारखंड की हिस्ट्री है, फिर हमारी ज्योग्राफी और इकोनॉमी बचेगी, हम उसको भी कंप्लीट करवाएंगे। तो इस वीडियो पार्ट में इतना ही हम करेंगे, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट। अच्छी लगी है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो पार्ट में इतना ही करेंगे, थैंक यू।